तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद, एक लंबे वेट टाइम के बाद Redmi 5 और 5A के डिवाइस में MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल 10.3.2.0 की अपडेट देखने को मिल गई है दोस्तों। और आपके पास Redmi 5 और 5A के डिवाइस है, इन दोनों डिवाइसेज में MIUI 10.3.2.0 की स्टेबल अपडेट मिल चुकी है, जिनमें हम लोगों को एंड्रॉयड ओरियो की सपोर्ट देखने को मिल गई है। और दोस्तों इस अपडेट के साथ ही साथ हम लोग अब इजिली MIUI 10 की ग्लोबल बीटा रोम से इजिली अब MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल रोम पर स्विच कर सकते हैं। तो स्विच क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है ग्लोबल बीटा रोम इज डेड नाउ। 9.6.27 के बाद से दोस्तों कोई भी ग्लोबल बीटा देखने को नहीं मिली है, सिर्फ चाइना में देखने को मिल रही है। इस वजह से दोस्तों अब हम लोग को स्टेबल पर रहना पड़ेगा, स्टेबल पर ही जो भी अपडेट मिलेगी वो मिलेगी, बीटा पर ग्लोबल बीटा पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को वहाँ पर देखने को नहीं मिलती दोस्तों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट कर रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 10.3.2.0 की अपडेट देखने को मिली है Redmi 5 और 5A के डिवाइस में, दोनों की डाउनलोड लिंक दोस्तों मैं यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाता हूँ तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे बात भी करना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ Redmi 5 और Redmi 5A के डिवाइस में कैसे हम लोग बीटा से स्टेबल पे आएंगे, वो भी दोस्तों हम लोग डिवाइस के बूट लोडर लॉक रहते हुए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कई सारे वीडियो में, बीटा बंद हो चुकी है, अब हम लोग को स्टेबल पे आना है। लेकिन दोस्तों Redmi 5 5A के डिवाइस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोस्तों दोनों के डिवाइसेस में बीटा में एंड्रॉइड ओरियो की सपोर्ट देखने को मिलती थी और 10.1 की सीरीज में एंड्रॉइड नुकट की सपोर्ट देखने को मिल रही थी, जिस वजह से दोस्तों आप लोग जब भी अपने फोन को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको वहाँ पर एरर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ वर्किंग मेथड बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको फाइल मैनेजर में लेकर दिखा देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आप मैंने ऑलरेडी 10.3.2.0 की फाइल को डाउनलोड कर रखी है, वो मतलब ओरियो MI मतलब ग्लोबल लोम Redmi 5A की डिवाइस की है। और यहाँ पर देख सकते हैं HM5A ग्लोबल मतलब ग्लोबल लोम के लिए मैंने डाउनलोड कर रखी है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों कैसे इसे हम लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, सिस्टम अपडेट में जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी फीचर्स हम लोगों को 9.6.27 की अपडेट में देखने को मिली है, वो आप लोगों को इस अपडेट में देखने को नहीं मिली है, क्योंकि बीटा में हम लोग को एडवांस फीचर्स देखने को मिलती है और स्टेबल काफ़ी पीछे होती है बीटा के मुकाबले में। तो अगर आप लोग इस वाले वर्सन पर जाएंगे तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि 10.4 की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है चाइना में, तो आप लोगों को वो सारी फीचर जब देखने को मिलेगी 10.4 की सीरीज में ही देखने को मिलेगी। 10.3 की सीरीज में Redmi 5 और 5A के डिवाइस में दोस्तों उम्मीद बहुत कम है कोई सारे वो बीटा वाले फीचर्स आप लोगों को देखने को मिले। दोस्तों बीटा से स्टेबल में जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा सिस्टम अपडेट में। आप लोगों ने जो फाइल डाउनलोड कर रखी है दोस्तों इसकी एक कॉपी बना लें, और अगर आपके फोन में मी अकाउंट और गूगल अकाउंट लॉग इन दोस्तों, तो आप लोग उसकी पासवर्ड को याद कर लें, क्योंकि जब हम लोग बीटा से स्टेबल में या फिर स्टेबल से बीटा में जाते हैं तो हमारी डाटा सब कुछ इरेज हो जाती है और मी अकाउंट और गूगल अकाउंट के पासवर्ड वहां पे आप लोगों से मांग सकता है। तो प्लीज़ आप लोग पासवर्ड को याद रखें और इसकी एक कॉपी बना लें। हो सकता है दोस्तों कि अभी यह बीटा फेस में रिलीज हुआ है, कुछ रैंडम यूजर्स को देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आप जब यहां पे अलाउ करें फॉलो करें तो यहां पे हो सकता है कि आप लोगों को एरर देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरह की एरर आप लोगों को देखने को मिले। तो जब ये पब्लिकली रिलीज हो जाएगी, जब इसमें कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, तब आपके फोन में इस वाले मेथड से इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ, चूज अपडेट पैकेज में जाता हूँ, मैंने जहाँ भी फाइल को सेव कर रखी है आप देख सकते हैं वाली फाइल है, मैं इसे क्लिक करके ओके करता हूँ। अगर ये बीटा फेस में नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग स्टेबल पर स्विच कर जाएंगे, लेकिन अगर बीटा फेस पर ये रोम होगी, ये लिंक होगी, तो मे बी यहाँ पर हम लोग को एरर देखने को मिल जाता। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल गई, यू आर नाउ फ्लैश द न्यूएस्ट स्टेबल वर्सन पब्लिक बाय MIUI फॉरम डेवलप वर्सन ओनली, यानी दोस्तों ये वाली अपडेट बीटा फेस में। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिल गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये वाली जो रोम अभी रिलीज हुई है ये बीटा फेस में रिलीज हुई है, इस वजह से हम लोग इसे अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इस अपडेट पैकेज वाली मेथड से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टिल अपने फोन में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, अभी इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपके डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए, फिर दोस्तों आप लोग कस्टम रिकवरी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में, या फिर दोस्तों आप लोग कुछ दिन और वेट कर सकते हैं, जब ये अपडेट जब ये रोम 10.3.2.0 की अपडेट को पब्लिकली रिलीज कर दी जाए, जब ये पब्लिक रिलीज हो जाएगी दोस्तों, तब आप लोग स्विच अपडेट करके अपने फ़ोन को इजीली डाउनग्रेड कर सकते हैं, बीटा से स्टेबल पा सकते हैं, तब उस वक्त आपके फ़ोन में
ये एरर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों हर आवर में आपकी डाटा इरेज होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग डाटा का बैकअप बना के रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और आपका कोई भी डाउट या सवाल आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना।